नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 25 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट जिन्हें हम हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और सारी ही प्लांट जो है अभी गर्मियों में डबल से और तेज़ी से ये ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा ये फैलते हैं, और इनकी कटिंग्स भी हम आसानी से अभी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और सारे ही इतने सुंदर है कि ये हमारे गार्डन को चार चांद भी लगा। सभी प्लांट परमानेंट प्लांट है और बहुत ही थोड़ी सी केयर में ये बहुत ही सुंदर से चलने वाले प्लांट्स हैं हमारे गार्डन। सबसे पहला है पेनीवॉर्ट, जिसे डॉलर प्लांट भी बोलते हैं। फिर इसके पत्तियाँ आप देख सकते हो गोल गोल होती है, और ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। इसमें समर में इस तरह से फ्लावरिंग भी होती है, और आसानी से ये डिवाइड करके हम इसका प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। मॉइस्चर लविंग ये प्लांट होता है, हमेशा इसमें नमी बना के रखना पड़ता है। अगर पानी ज़रा भी इसमें कम हो जाए फ्रेंड्स, तो इसकी पत्तियाँ जो है नीचे लटकने लगती है। इस तरह से हम इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ये प्लांट फैलता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सिंगोनियम का पौधा भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, छोटे पत्ते वाली वैरायटी बहुत खूबसूरत लगती है हैंगिंग बास्केट पे जब हम लगाते हैं। और फ्रेंड्स, इसे डिवाइड करके हम आसानी से ढेरों पौधे बना सकते हैं। और ये जो प्लांट है सेमी शेड का प्लांट होता है, और इसकी हमेशा सॉइल जो है वेल्डन हमें तैयार करनी होती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही, और ये गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ता है ये प्लांट, और बहुत ही बढ़िया पूरे हमारे हैंगिंग बास्केट को कवर करता है। नेक्स्ट है रिबन ग्रास। रिबन ग्रास भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है, किसी फाउंटेन की तरह लगता है देखिए फ्रेंड्स। और इसे भी डिवाइड करके लगाया जाता है, और इस भी प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये पार्शियल शेड का ये पौधा है फ्रेंड्स, इसे भी मॉर्निंग की सनलाइट में आप रखिए और इसकी वेल्डन सॉइल में आप इसे लगा दीजिए। और ये भी देखिए गर्मियों में कितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। इस तरह से आप इसे डिवाइड करके इसके आप ढेरों प्लांट्स भी अभी बना सकते हो मई जून के महीने में। पर्पल हार्ट भी बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में, और फ्रेंड्स ये तो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा कलर्स को ऐड करता है, और इसे कटिंग से भी ग्रो करना बहुत आसान है। इसकी कटिंग अभी आप मई और जून में भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी हैंगिंग बास्केट भी आप अभी बना सकते हो। और ये एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम फुल सनलाइट में और सेमी शेड में दोनों इसमें ग्रो कर सकते हैं। वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए, और फर्टिलाइज़र की तो बिल्कुल भी इस प्लांट को ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है रियो प्लांट, ये वेरीगेटेड वाला है फ्रेंड्स, और ये देखिए हैंगिंग बास्केट इसको पूरा कवर कर लिया। और हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसे डिवाइड करके या कटिंग से भी हम इसके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। और इस भी प्लांट को वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए, और इसे जो है हमें 2 से 3 घंटे वाली सनलाइट में रखना है। पार्शियल शेड में भी ये ग्रो हो जाता है। इस तरह से हम इसके कटिंग से ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। टैंगल हार्ट तो गर्मियों में इतने तेज़ी से बढ़ता है फ्रेंड्स, ठंड का जो मौसम होता है इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो ये अपनी ग्रोथ जो है डबल से करना स्टार्ट कर देता है, और बहुत ज़्यादा ये फैलता है। इस भी प्लांट को हम कटिंग से अभी मई जून के महीने में लगा सकते हैं, और इस हैंगिंग बास्केट में इस प्लांट को लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइट इसकी हो जाती है फ्रेंड्स, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। स्पाइडर प्लांट भी हैंगिंग बास्केट पर बहुत ही खूबसूरत लगता है इसे जब हम लगाते हैं फ्रेंड्स, और इस पर छोटे छोटे इस तरह से पफ्स निकलते हैं देखिए। इस तरह से गर्मियों में इसमें फूल भी खिलते हैं, और इसके जो पप्स है रनर से उनको हम सेपरेट करके लगाते हैं तो सैकड़ों इसके पौधे बन जाते हैं। और इस भी प्लांट को हमें वेल्डन सॉइल में लगाना है, और ये सेमी शेड का पौधा होता है, इसे सेमी शेड में रखते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रो होता है। नेक्स्ट है पिलिया डिप्रेसा, ये बड़ी पत्तियों वाला है, इसमें छोटी पत्तियों वाला भी आता है, और कटिंग से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और हैंगिंग बास्केट का तो ये बेस्ट प्लांट होता है। आप देख सकते हो इसका बॉटल ग्रीन कलर कितना खूबसूरत लगता है, देखिए इसमें तरह से समर में इसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो इस भी प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, बहुत ही मिनिमम केयर में चलने वाला ये प्लांट है। कोलियस की ये बारीक पत्तियों वाली जो वैरायटी होती है फ्रेंड्स, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगती है, और गर्मियों में तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ती है और पूरे हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेती है। देखिए फ्रेंड्स इसकी हाइट भी कितनी ज़्यादा हो गई है, कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाती है। बस हमें इसे सेमी शेड में रखना होता है, वेल्डन सॉइल में लगाना है, डेली वाटरिंग करना है। और जितने भी हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हमेशा हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। वेरीगेटेड अजवाइन का प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। आप देख रहे हो इसकी ब्रांचेस आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी होगी, बहुत तेज़ी से ये गर्मियों में फैलता है, और फ्रेंड्स बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। कटिंग से भी अभी आप लगाते हो तो आसानी से ये ग्रो हो जाएगा, इसकी कटिंग अभी आप मई और जून के महीने में भी ग्रो कर सकते हो। देखिए मैं इसी पॉट में अभी लगा के दिखा रही हूँ, और इसे आप वेल्डन सॉइल में लगाइए, 1 से 2 घंटे की सनलाइट में आप इसे रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं। और फ्रेंड्स इसे भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र हर महीने में देते तो भी इनफ है। स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप अभी मई और जून के महीने में लगा सकते हो फ्रेंड्स, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले ये हैंगिंग प्लांट्स होते हैं। आप देख सकते हो ये ग्रीन वाला, इसकी हाइट भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, और ये पर्पल वाला भी देखिए कितनी बड़ी इसकी
इसकी हाइट हो गई, ये भी बहुत तेज़ी से ये ग्रो करते हैं गर्मियों के दिन में। और देखिए ये वेरीगेटेड वाली वेराइटी मेरे पास में तीन कलर्स है स्वीट पोटैटो वाइन में, और तीनों भी आप देख सकते हो इसकी डबल से ग्रोथ हो रही है, और ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसके तीनों भी वेराइटीज़ की मैंने कटिंग्स को लगाया, तीनों भी बहुत बढ़िया से ग्रो हो रही है। और ये इस भी प्लांट को जैसे 2 से 3 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, और फ्रेंड्स इसमें डेली वाटरिंग करना है। क्रीपिंग चार्ली भी हैंगिंग बास्केट का बेस्ट ये प्लांट होता है, और गर्मियों में तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है और फैलता है फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे होंगे गर्मियों में इसकी डबल से ग्रोथ देखने को मिलती है, और कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, और बिल्कुल थोड़ी सी केयर इसे चाहिए होती है, डेली वाटरिंग और फर्टिलाइज़र भी बहुत कम। नेक्स्ट है पेपरोमिया, जिसे बेबी रबर प्लांट भी बोलते हैं, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट, कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, वेल्डन सॉइल में लगाइए, सेमी शेड का ये प्लांट होता है, और फ्रेंड्स ये भी गर्मियों में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। वैसे तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, पर गर्मियों में डबल से इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये है मार्बल क्वीन मनी प्लांट, जितने भी तरह के मनी प्लांट है पौधोज है, ये भी गर्मियों में डबल से ग्रोथ करते हैं, तेज़ी से फैलते हैं फ्रेंड्स, और इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस भी प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसे मैंने ट्विस्ट करके इसी पॉट में इस तरह से दबा दिया, तो देखिए ये मेरा प्लांट जो है बुशी भी बन गया, और कटिंग से भी ये बहुत आसानी से अभी ग्रो हो जाएगा मई और जून के महीने में, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये प्लांट बहुत ही बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है ये टर्टल वाइन, ये भी हैंगिंग बास्केट का बेस्ट प्लांट होता है, और ये इतनी ज़्यादा इसकी हाइट हो जाती है फ्रेंड्स, इसे आप लगाते हो तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं, और कटिंग से भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे गार्डन में ये ग्रीनरी को ऐड करते हैं, ज़्यादा भी इसे केयर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ये स्टिंग ऑफ बनाना, जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स इसकी हाइट आप देखिए कितनी ज़्यादा, ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए नीचे तक बहुत ज़्यादा इसकी हाइट हो गई है, और इसे भी जैसे आपको हमेशा सेमी शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से इसे बचाना है, और इसमें वाटरिंग आपको डेली नहीं, मिट्टी सूखने पर ही इसे वाटरिंग करना है, और कटिंग भी इसकी अभी आप लगाते हो फ्रेंड्स तो लग जाएगी, पर इसकी कटिंग हमेशा आप कोकोपीट और सैंड में लगाते हो तो ही आपको इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स इसकी मैंने कोकोपीट और सैंड में लगाई है इसकी कटिंग्स, सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, ये देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसके अभी मई जून में भी ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है ये चाइनीज़ वॉयलेट भी, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है, इसमें गर्मियों में पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, और फ्रेंड्स ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, और इस प्लांट को 3 से 4 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है फ्रेंड्स, सनलाइट में बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा बेबी सन रोज़, इसमें भी छोटे बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, अभी तो मेरा ये प्लांट सेमी शेड में रखा है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, इसे बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत होती है तब जाके ये फ्लावरिंग करता है, और कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हो गर्मियों में ये डबल से ग्रोथ करता है, तेज़ी से बढ़ने वाला ये प्लांट होता है। नेक्स्ट है ये जिसे मदर ऑफ पर्ल और घोस प्लांट बोलते हैं फ्रेंड्स, और देखिए इसने भी हैंगिंग बास्केट को पूरा कवर कर लिया, बहुत तेज़ी से ये प्लांट बढ़ता है, बहुत ही फास्टली ये ग्रो होने वाला प्लांट होता है, सिंगल लीफ से भी कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है, और इस प्लांट को आप 2 से 3 घंटे की सनलाइट में रखिए, वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए, और देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत ये प्लांट लग रहा है। पेंडेनस का प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में, इसके आप पत्तियों का कलर दे सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, वेल्डन सॉइल में इसे लगा दीजिए, 1 से 2 घंटे की सनलाइट में इसे रखिए, और फ्रेंड्स इसे भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और डिवाइड करके इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है सीडम भी गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला ये प्लांट होता है, बस इसे हमें सेमी शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है देखिए इस तरह से, और इस भी प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है वांडरिंग जू, और ये तो आप देख सकते हो फ्रेंड गर्मियों में तो ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है और फैलता है ये प्लांट, कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, और हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा ये कलर्स को भी ऐड करता है, मिनिमम केयर में चलने वाला ये प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है बेबी टी, और ये भी प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से भी आसानी से लग जाता है, और फ्रेंड्स इस प्लांट को आपको 1 से 2 घंटे की सनलाइट में रखना है, सेमी शेड में रखना है, और वेल्डन सॉइल में इसे आप लगा दीजिए तो इस प्लांट को भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, और ये प्लांट को भी देखना नहीं पड़ता बहुत। सो फ्रेंड्स ये थे वो सारे हैंगिंग बास्केट के प्लांट जिन्हें आप अभी मई और जून के महीने में ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।